वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहाँ पे आज हम सीखेंगे साग बनाना। वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमने यहाँ पे 1 किलो साग लिया है, आधे किलो पालक और आधे किलो सरसों। हमने इसको बारीक काट लिया है, धो के कुकर में रख दिया है। और हमने यहाँ पर कुछ मिर्च चॉप की हैं जो हम इसमें डालेंगे। हमने इस साग में चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच नमक, अदरक का पेस्ट और 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इस कुकर में ढक्कन लगाएंगे और इसको 6 सीटी आने तक पकने देंगे। हमारे कुकर में 6 से 7 सीटी आ गई थी। अब मैं इसका ढक्कन खोल के साग को देखूंगी। ये देखिए, 6 सीटी आने के बाद ये साग बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी आटे का घोल। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी पानी लेके 2 बड़े चम्मच इसमें आटा डाला है। आप चाहें तो इसमें सूखा आटा ऐसे भी डाल सकते हैं, साग में मक्के का आटा डाल सकते हैं, आप गेहूं का आटा डाल सकते हैं और आप इस तरह घोल बना के भी डाल सकते हैं। मैं इसमें ये जो मैंने घोल तैयार किया है मैं साग में मिला दूंगी और फिर अपने इस मैथाने की मदद से इस साग को बिल्कुल बारीक घोट लूंगी। हमारा साग बिल्कुल बारीक घुट चुका है। अब हम इसे फिर से गैस पर रख देंगे और इस पर एक बारीक सी लेयर आने तक इसको पकने देंगे। और इसमें अब हम ढक्कन नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसे प्लेट की मदद से ढकेंगे, पूरा नहीं ढकेंगे। इसमें से भाप आती रहे तो हम इसको छोड़ देंगे थोड़ा। ये देखिए, साग पे एक बारीक सी लेयर आ गई है चारों तरफ। अब हम इस साग को छोकने की तैयारी करते हैं। अब इस साग में तड़का लगाएंगे। साग में तड़का लगाने के लिए हमने तैयार किया है यहाँ पर चॉप किए हुए लहसुन, चॉप की हुई बारीक प्याज, 2 बड़ी हरी मिर्च, जीरा, हींग और टमाटर। आप चाहें तो जीरे की जगह पे मेथी या साबुत धनिया का भी तड़का लगा सकते हैं। हम कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो चुका है, हम सबसे पहले इसमें जीरा छोड़ेंगे, जीरे के साथ हम इसमें हींग छोड़ेंगे, इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और लहसुन को सुनहरा होने तक भूनेंगे। हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, डालेंगे प्याज, प्याज को भी हम सुनहरा होने तक भूनेंगे। प्याज के सॉफ्ट और सुनहरे होने के बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर के बाद हम 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच मिर्च डालेंगे। नमक और मिर्च हमने साग में भी डाली हुई है तो इसलिए हम यहाँ पे 1/2 चम्मच डालेंगे सिर्फ। इनको मिला देंगे और 3 मिनट तक इस मसाले को हम ऐसे ही भूनेंगे। ये देखिए, टमाटर के ऊपर अब तेल आने लगा है, हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है। अब हम इसमें साग डालेंगे। हम उसमें इतना ही साग डालेंगे जितना हम खाएंगे, बाकी का साग हम स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब हमको खाना होगा हम उसको तभी तड़का लगाएंगे। अभी हम जितना खाएंगे हम उतने में ही तड़का लगाएंगे। इसको मिला लेंगे। अब हमारा साग बिल्कुल रेडी है बनके। हमने इसको सर्व कर लिया है। ख़त्म होती है हमारी आज की ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।